हेलो एवरीवन, स्वागत करती हाँ मैं थोड़ा अपने चैनल मैथ्स विद सुमनप्रीत कौर ते। तो असी अज एक नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं जिहदा नाम आ ट्रेनज। ट्रेन टॉपिक तीन चीज़ों पर ही निर्भर करता, तीन चीज़ों पर ही डिपेंड है। ये फर्स्ट हैगा डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम। इन्हां तीन चीज़ों की डिस्टेंस, स्पीड इन टू टाइम। जो देखो जो एक ट्रेन आ, ट्रेन की असी गल कर रहे हैं, चल रही है वो किसी एक जगह तो दूजी थान पर जा रही है, यह मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई ना कोई दूरी नू कवर कर रही है, तो जिन्हों असी की बोल दें दूरी। हाँ जी, हुण जो उन्हें कोई दूरी तय करनी है तो उहदे लई उह कोई ना कोई स्पीड भी रखूगी, जिन्हों असी बोलते हैं चाल। मल्टीप्लाई टाइम, मतलब जो एक जगह तो दूजी थान पर जा रही है तो उन्होंने कोई ना कोई टाइम भी लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट 10 सेकेंड कुछ भी, तो यदा मतलब की हो गया समा। इन्ह तीन चीज़ों पर ट्रेन टॉपिक निर्भर करता वा, इन तीन चीज़ों पर ही डिपेंड आ ट्रेन साडा टॉपिक। तो जेकर तुसी हुण जिहड़े असी कंसैप्ट करन जा रहे हैं इन्हां नूं चंगी तरह समझ लोगे तो मैनू नहीं लगता थोनों सम दे विच कोई भी प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन करन दे विच। ओके, तो हाँ जी, सब तो पहला देखो असी फस्ट स्टैप करते हैं। फस्ट स्टैप दे विच देखो हुण एक ट्रेन आ, ठीक है, आदि कोई लेंथ है जिन्हों में एल लै लिया, तो उहदी कोई स्पीड भी है जिन्हों में एस लै लिया, ठीक है जी। हुण उह चल रही है, किसी व्यक्ति नूं पार कर रही है, जां फिर किसी दरख्त नूं पार कर रही है, जां फिर किसी पोल नूं पार कर रही है। जदों ये चल के इस नूं पार कर रही आ तां इहदा मतलब वह अपने ही लेंथ नूं कवर कर रही आ, अपने ही डिस्टेंस नूं कवर कर रही है, अपनी ही लेंथ नूं कवर कर रही है। जिहड़ा डिस्टेंस आ उहदा मतलब की होगा, उहदी आपदी ही लेंथ होगी। जिहड़ा डिस्टेंस आ उह की होगा, उहदी आपदी ही लेंथ होगी। इस करके इस टॉपिक दे विच असीं डिस्टेंस नूं लेंथ दे नाम नाल डिनोट करांगे, जिहनूं असीं एल दा एल टी दा नाम देवांगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है जी। हाँ जी, हुण सब तो पहला देखो ये तो साडा सीगा फर्स्ट कंसैप्ट कि जो किसी व्यक्ति दे कोल दी लंघदी आ, जां किसी दरख्त दे कोल दी लंघदी आ, जां किसी पोल दे कोल दी लंघदी आ, क्योंकि इन्हां दी लंबाई नूं तां असीं माप नहीं सकदे, ना ही सानूं पता वी इन्हां दी लंबाई की आ। तो इस करके की होया, जिहड़ा ये जिहड़ी ट्रेन आ ये सिर्फ आपदा ही डिस्टेंस कवर कर रही है, आपदी ही लेंथ कवर कर रही है, डिस्टेंस मतलब, ठीक है जी। इस करके असी डी की लवेंगे, एल लवेंगे, तो होर ये कोई भी चीज़ नहीं होना। फस्ट कंसैप्ट साढ़े को एल बराबर स्पीड इनटू टाइम होगा। ओके, हाँ जी, हुण असी कर रहे हैं सैकेंड कंसैप्ट। इत्थे तां असी लईआं सीगियां वालियां चीज़ां जिहड़ियां कि मूव नहीं कर रही सीगियां, इन्हां नूं पार कर रही सी तां इन्हां दी लेंथ भी नहीं असी लई सी। हुण असी गल करदे हां जदों साढ़े कोले कोई चीज़ आ मूव नहीं कर रही बट उहदी लेंथ हैगी आ कोई ना कोई, जिवें ये कंसैप्ट साडा सैकेंड आ। हाँ जी, हुण आ ट्रेन आ हैगी इहदी लेंथ ते आ हैगी इहदी स्पीड, वह किसी ना किसी पुल नूं पार कर रही आ। ये हैगा पुल जिहनूं असी लै लैने आ, इत्थे लेंथ ऑफ ट्रेन लै लैने आ, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो इहनूं असी लै लिया पुल, पुल दी लेंथ। हाँ जी, हुण असी गल कर रहे हां साडा जिहड़ा कंसैप्ट आ इहदे विच फस्ट स्टैप दे विच असी कीता सीगा कि जिहड़ा डिस्टेंस आ उही लेंथ होगा, मतलब वह आपदी ही लेंथ नूं कवर कर रही आ। हुण असी गल कर रहे हां कि लेंथ साडे कोल पुल दी भी हैगी आ। पहला असी उन्हां चीज़ां दी गल कीती सी जिन्हां दी असी लेंथ नहीं माप सकते, हुण असी पुल दी गल कर रहे हां। पुल जे कोई पुल आ तो उहदी लेंथ भी होगी, जे पुल दी लेंथ आ तो इहदा मतलब ट्रेन दी भी लेंथ असी लई सीगी, है ना। हुण पुल, पुल तां मूव नहीं करता एक जगह ते खड़ा, बट ट्रेन मूव कर रही आ, तो पुल तां मूव नहीं करता एक जगह ते खड़ा वा, इहदा मतलब जिहड़ी स्पीड आ उहदे विच कोई फर्क नहीं पैणा इस फॉर्मूले दे विच, स्पीड दे विच, इस कंसैप्ट दे विच, स्पीड दे विच, आ फॉर्मूले दे विच कोई भी फर्क नहीं पैना। ये की बन जाऊगा साढ़े कोले डिस्टेंस। हाँ देखो, डिस्टेंस दो चीज़ों की गल हो रही है तो दोनों की लेंथ हैगी, तो लेंथ दे विच तां फर्क पऊगा ही, ये हमेशा ऐड होगी लेंथ, दोनों की लेंथ ऐड हो जूगी। हुण देखो स्पीड, स्पीड इहदी तां स्पीड नहीं एक जगह पर ही खड़ा वा, तो स्पीड एस दे इक्वल हो जूगा, तो टाइम साडा सेम रहेगा।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਬਟ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ थर्ड कंसैप्ट साढ़े को हैगा जिमें मान लो कोई ट्रेन आ चल रही है आएगी लेंथ आएगी स्पीड आ स्पीड ऑफ ट्रेन एस टी का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन हाँ जी हूँ ये ट्रेन चल रही आ एक व्यक्ति आ जिहड़ा चल रहा वा वह भी सेम उसी दिशा में चल रहा जिस दिशा के ट्रेन चल रही है ठीक है जी हुण देखो व्यक्ति की लेंथ तो असीं माप नहीं सकते बट ट्रेन की तो सानू पता वा भी कोई ना कोई होगी इन्नी लंबी हुंदी आ है ना तो इस करके देखो जदों एक ट्रेन तो एक व्यक्ति दोने मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन दे विच कर रहे हैं सेम दिशा दे विच कर रहे हैं तो उदों असीं की करांगे आ की आ इहनू असीं मान लैने आ इहदी भी स्पीड आ चल रहा वा कोई सेम दिशा वाल चल रहे हैं दोनों ही मूव कर रहे हैं तो यदा मतलब इनू असं की मान लें स्पीड ऑफ मैन ओके एस एम का नाम देता मैं हूँ यदी तो लेंथ नहीं गी तो ये अकॉर्डिंग जो साढ़े को फॉर्मूला वा जो कोई व्यक्ति मूव कर रहा वा चल रहा वा तो साढ़े को लेंथ लेंथ मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू एस टी स्पीड ऑफ ट्रेन जो सेम सेम डायरेक्शन के चल रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस हो जूगी स्पीड ऑफ मैन मल्टीप्लाई टाइम ठीक है देखो असी गल कर रहे थे एक व्यक्ति दी जेड़ा मूव कर रहा वा सेम दिशा वाल चल रहे हैं दोनों सेम दिशा वाल चल रहे हैं ट्रेन भी उधर नू जा रही है तो व्यक्ति भी उधर नू जा रहा वा इहदा मतलब कोई ना कोई इहदी भी स्पीड आ ते इहदी भी स्पीड आ इस करके असी स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन माइनस करांगे ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ तो जी मैन की स्पीड आ दोनों की हो जाएगियाँ जुड़ जाएगियाँ राइट क्योंकि हुण इसे इत्थे असीं गल कीती है कि वह जिहड़ी असीं चीज़ नाल उहनूं कंपेयर कर रहे हैं जां जिहड़ी उहदे नाल जिहनूं उह पार कर रही आ उह भी चल रहा वा वह भी मूव कर रहा वा इस करके इन्हां दी जिहड़ी स्पीड आ उहदे च फर्क पऊगा लेकिन मेन मतलब आदमी की तो लेंथ असीं नहीं लै सकते ना माप सकते हैं हाँ जी हुण साढ़े कोले आ गया फोर्थ कंसैप्ट दे विच की आ फोर्थ कंसैप्ट दे विच हैगा वा असीं दो ट्रेनां दी गल कर रहे हां दो ट्रेनां दी हाँ जी दो ट्रेनां मेरे कोले फस्ट दी मैं लेंथ नूं लै लैनी आ एल वन ते स्पीड नूं लै लैनी आ मैं एस वन सैकेंड दी लेंथ नूं मैं लै लैनी आ एल टू ते स्पीड नूं लै लैनी आ एस टू ठीक है जी सब तो पहला देखो दो ट्रेना जदों हुण दो ट्रेना की गल हो रही है दो ट्रेना चल रही वा जो मैं इन्हों की स्पीड हुण देखो पहला असी व्यक्ति की गल की सी ओदी लेंथ असी नहीं माप सकते सी थर्ड कंसैप्ट दे विच असी व्यक्ति की गल की सी ओदी लेंथ असी नहीं माप सकते सी लेंथ ते टाइम उच सेम रह गया तो जिहड़ी स्पीड आ उहदे विच फर्क पै गया जे तो वह सेम डायरेक्शन दे विच सी तां माइनस होनी आ जो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच सी तां असी जोड़ कर दिंदे सी उहदा ठीक आ हुण असी गल कर रहे हां दो ट्रेनां दी मतलब दोनों ट्रेनां दी ही लेंथ होगी तो दोनों ट्रेनां दी स्पीड भी होगी इस करके उहनां दोनों ते ही फर्क पऊगा दोनों की स्पीड ते भी ते दोनों की लेंथ ते भी हुण देखो जदों दो ट्रेना की गल होगी जिहड़े भी क्वेश्चन दे विच दो ट्रेना की गल होगी जे तो उन्होंने देती सेम डायरेक्शन का मतलब की हो जाऊगा डिस्टेंस दोनों का जुड़ जाऊगा एल वन प्लस एल टू डिस्टेंस उन्हां दी आपदी ही लेंथ हुंदी आ ते एस वन प्लस एस टू मल्टीप्लाई टाइम तो यह सीगा साडे कोले थर्ड कंसैप्ट
जदों सेम डायरेक्शन दे विच चलदियां उदों माइनस होना वा, तो जदों साडे कोले ओह ओपोजिट डायरेक्शन दे विच चलणगियां, मतलब एक आ वाली इधर नूं जा रही है तो दूजी इधर नूं आ रही है। जदों ओपोजिट डायरेक्शन की गल होगी, लेंथ ऑलवेज दोनों की ऐड ही होगी, हमेशा ही दोनों की ऐड होगी, बस स्पीड च फर्क पऊगा। जे ओपोजिट डायरेक्शन आ तां ऐड होणगियां, जे सेम डायरेक्शन आ तां माइनस होगी स्पीड, स्पीड च फर्क पऊगा, लेंथ हमेशा ही जुड़ जाऊगी दोनों की। ठीक है जी, हुण साडे कोल एक होर कंसैप्ट आ, असी एक ट्रेन की गल ही कर रहे हैं फोर्थ कंसैप्ट दे विच। फोर्थ कंसैप्ट दे विच असी एक ट्रेन की गल कर रहे हैं, असी गल करांगे दो ट्रेनां दी, थर्ड दे वाले भी ध्यान देना तुसी। हाँ जी, हुण भी सानू दो ट्रेनां ही दित्तियां उन्होंने, एक ट्रेन तो हैगी आ, पर उन्हें नाल की कहा वा भी एक ट्रेन दूजी ट्रेन दे विच कोई बंदा बैठा, दूजी ट्रेन विच कोई बंदा बैठा जिहड़ा ये देख रहा कि पहली ट्रेन उहदे अल नूं आ रही आ जां पहली ट्रेन उहनूं पार कर रही आ। इत्थे हुण दो ट्रेनां रेफरेंस नहीं करदियां, बल्कि एक व्यक्ति रेफरेंस करदा वा जिहड़ा ट्रेन दे विच बैठा वा। हाँ जी, तां इत्थे की हो जूगा साडे कोले, हाँ जी इत्थे की हो जूगा, हुण इत्थे असीं ट्रेन की नहीं गल कर रहे, एक व्यक्ति की गल कर रहे हैं जिन्हों वह ट्रेन पार कर रही है, जो देख रहा कि वह ट्रेन उधरों आ रही है तो मेरे कोल दी लंघ रही है, तो इहदा मतलब की है इत्थे दो ट्रेना रेफरेंस नहीं करदियां, बल्कि एक व्यक्ति रेफरेंस करता, इस करके जिहड़ी इहदी लेंथ आ उह असीं नहीं लैनी, लेंथ असीं L1 ही लवेंगे। हुण गल हो रही सी व्यक्ति देख रहा कि ट्रेन उहनूं पार कर रही है, ठीक है, तो इत्थे असीं की करांगे फिर उन्हां दी जिहड़ी फॉर्मूला वा, जेकर वो सेम डायरेक्शन दे विच जा रहे हैं तो माइनस ही होणगियां, सेम ची जा रहे हैं ट्रेन इस करके तो पार करूगी, जेकर ओपोजिट डायरेक्शन हुई तो तुसीं प्लस कर दोगे तो मल्टीप्लाई। बस इत्थे दसण दा मीनिंग ये सी कि इत्थे लेंथ दोनों की माइनर नहीं रखती, बल्कि दो ट्रेना रेफरेंस नहीं करदियां, एक व्यक्ति बैठा विच वो रेफरेंस कर रहा इत्थे। ठीक है जी, हुण असीं इहदे क्वेश्चन करते हैं अगे।